ओके चलिए, अब देखिए यानी कि ये जो है ये हो गया, ठीक है। अब यानी कि जीरो इक्वल टू कभी भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। एक इस टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो कि मेरे को, हाँ बता दीजिए हाँ सॉरी बेटा, क्वेश्चन अगेन। ओके सो ठीक है। हमसे कह रहा है कि आपको ऐसा टेम्परेचर बताना है जिसमें केल्विन और सेल्सियस सेम हो। तो हमने कहा क्या कहा था कि जब भी आपको कोई भी दो टेम्परेचर दिया रहे तो उन दोनों को इक्वेट कर देना। तो के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू सी बाई 5। अब इस हमने जो है 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दिया। हमने मान लिया कि वो ऐसा टेम्परेचर कहाँ होगा जहाँ केल्विन और सेल्सियस बराबर होगा, तो यानी कि एक्स मान लिया। तो के की जगह एक्स रख दिया, सी की जगह एक्स रख दिया। अब जैसे एक्स माइनस 273 इक्वल टू एक्स, और ये एक्स को इधर ले जाओगे तो माइनस कर जाएगा, या इधर ले जाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि जीरो इक्वल टू माइनस 273 कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है नन ऑफ दिस। कई बच्चे जो है बी मार देते हैं, माइनस 273, जो कि गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। अगर जन अभी भी दिक्कत है तो प्लीज मेरे से एक बार पूछ लीजिए, किन्हीं को ना समझ में आए। समझ में आ गया बेटा? ओके ओके चलिए एक और देखो, इसी में जो है एक और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि मेरे पास क्या है, दो स्टूडेंट है, ठीक है। एक ए है एक बी है। ए ने जो है 40 रोमर को यानी कि जो है कैलकुलेट किया, जबकि बी ने 80 डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट किया। क्वेश्चन कहता है कि ए इज मोर एक्यूरेट देन फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ बी। तब आपको क्या करना है, यानी कि परसेंटेज एरर जो है यानी कि किसका बताना है? बी का बताना है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग जो है क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो आप सबसे पहले क्या करना कि या तो डिग्री को सेल्सियस और सेल्सियस को रोमर में कन्वर्ट कर लेना, या फिर रोमर को हम लोग क्या कर लेंगे यानी कि सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं आपकी इच्छा जिसने, मैं तो रोमर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मेरे को जो है ज्यादा आसान लगेगा। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है यानी कि क्या है कि रोमर की वैल्यू है, हम सेल्सियस में निकालना चाहते हैं, तो सी बाई 5 इक्वल टू आर बाई 4। यही तो हमने फॉर्मूला लिखा था। अब देखिए हमारे पास क्या है, R की वैल्यू दी हुई है यानी कि 40 दी हुई है, यानी कि C by 5 equal to R की जगह मैं 40 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 4 तो ये कट जाएगा, तो यानी कि C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ये 4 से 4 कट गया तो यानी 10, और ये इधर जाएगा तो यानी कितना हो गया, यानी कि 50 हो गया, ठीक है। अब यानी कि आपके पास जो है सी की वैल्यू, ए ने जो है सेल्सियस में जो मेजर किया था वो कितना डिग्री मेजर किया था? 50 डिग्री सेल्सियस। और बी ने जो मेजर किया है वो कितना डिग्री मेजर किया है? 80 डिग्री सेल्सियस। आपसे परसेंटेज एरर बोल रहा है। आपको जब भी निकालना हो ना, जो एक्यूरेट हो ना उसको नीचे से डिवाइड निकालना है या उसके अनुसार से निकालना है। तो एरर कितने का आ रहा है? 30 का। तो परसेंटेज एरर ऑफ बी, परसेंटेज एरर ऑफ क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास जो है 80 माइनस 30, बड़े में से ही निकालना, एरर तो डिफरेंस होता है। अब नीचे में कितना आ जाएगा? 50 इंटू 100। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? 30 × 6 यानी कि 60%। पता नहीं कितना बड़ा मैंने गलती कर दिया, बहुत ज्यादा डिफरेंस ले लिया, ठीक है। इतना बड़ा जल्दी एरर आता नहीं है, 5-10% का एरर आता है। हमें तो क्वेश्चन सीखने से मतलब है, हमने तो रैंडमली कोई भी डाटा सेलेक्ट कर लिया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्या करना है यानी कि जो है सॉल्व कर लेना। बेसिकली एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द रूम टेम्परेचर इन केल्विन। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे रूम टेम्परेचर? अब आपके सामने दिक्कत क्या आ रही है कि रूम टेम्परेचर शायद आपको पता नहीं होगा। रूम टेम्परेचर कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है? अगर से कोई बता सर टू सकता, नाइनटी एट केल्विन, वेरी गुड। यानी कि जो है सेल्सियस में कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, यानी कि वेरी गुड, यानी कि जो है आप लोगों को पता है यानी कि रूम टेम्परेचर इन सेल्सियस में जो होता है, रूम टेम्परेचर टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। तो केल्विन में निकालना है, तो यानी कि हमने बताया था केल्विन का फॉर्मूला, केल्विन इक्वल टू क्या बताया था? सी प्लस 273, और सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 25, यानी कि कितना हो,
ट्वेंटी 298 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इस टाइप का आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या कर सकते हो, इसके अलग अलग तरीके के बहुत है। आप लोगों के लिए मैं दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग कन्वर्ट करना 363 को, मैं थोड़ा सिंपल डाटा दे देता हूँ, 63 डिग्री सेल्सियस को आप लोगों को कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग लिख लेना, एक बार ट्राई करना इस टाइप के, जब भी वो इंटर कन्वर्टेबल जो है, आप कोई भी फॉर्मूला लगा के जो है इनको जो है निकाल सकते हो, केल्विन में दे, रोमर में दे, आप अपने से दो चार क्वेश्चन बना के जो है। हाँ सॉरी, 36 हाँ 336, 336 336 सेल्सियस को आप लोग रोमर में कन्वर्ट करो, तो यानी किस प्रकार से जो, अच्छा आपने डाटा ही निकाल दिया क्या, आंसर निकाल दिया क्या? अच्छा चलो, मैंने जो है, 336 केल्विन। हाँ ठीक है, अब जो है 336 सेल्सियस को रोमर में निकाले ना, इस टाइप से जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास जो है फंडामेंटल यूनिट, ये यहाँ से जो है ध्यान से सुनना कहानी, इनको याद रखना जरूरी है। हमारे पास टोटल फंडामेंटल यूनिट, सबसे पहले जानो कि फंडामेंटल यूनिट कहते किसे हैं। फंडामेंटल जो दो टाइप ऑफ यूनिट होते हैं जो किसी पे डिपेंड ना हो, जो फंडामेंटल यूनिट किसे कहेंगे, जो किसी और यूनिट पे डिपेंड ना हो। जैसे मैं कहूँ मास जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो जो है जाओगे तो यानी कि मास जो मेजर करेगा वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, यानी कि सीधे सीधे मेजर कर सकते हो। आपको मीटर, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो इस टाइप चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट विच आर इनडिपेंडेंट ऑफ अनदर यूनिट्स, इट इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट। यानी कि फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो किसी पे डिपेंड ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। आपको याद रखना है कि टोटल फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, सेवन लेंथ, हाँ वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड बेटा, विकास ने आंसर भी बता दिया 183.9। आप लोग जो है कुछ अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर में, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो है लेंथ, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, और इसको कैपिटल एम में लिखा जाता है। मास की जो होती है वो केजी होती है, टाइम की जो होती है यानी कि सेकेंड होती है, इलेक्ट्रिक करंट की ए होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है। देखो मैंने कहा था ना कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, कोई बच्चा जो है जो कह रहा था कि सर सेल्सियस होती है क्या, तो वहां पे नहीं, आपको जब भी कोई भी लेना हो ना, आप इन्हीं 7 यूनिट को जो है यूज कर सकते हो। आपसे फिर पूछा जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कैंडेला होती है, याद रखना। एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था नीट में कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो जो होती है उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैंडेला कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसको मेजर करता है, यानी कि मोल को मेजर करता है। तो ये सारी चीजें, अब इसकी याद रखने की एक ट्रिक सुन लो, अब मैं इसको जो है याद रखने के लिए एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास क्या है कि टोटल 7 यूनिट है, तो मैं इसको याद रखने के लिए कैसे कहता हूं कि आप लोगों ने, सभी ने जानते होंगे कि CSK एक टीम थी, CSK टीम का नाम जानते हो यस क्या नाम सर, था? क्या नाम है इसका फुल फॉर्म बताइए। चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, अब देखो इसको याद रखने के लिए हम लोग कैसे याद करते हैं, 7 प्लेयर ऑफ CSK सुबह 7 बजे उठ के कितने किलोमीटर दौड़ते हैं, 7 किलोमीटर दौड़ते हैं, ये है इसकी टेक्निक। अब मैंने 7 ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो है यानी कि कितने हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसीलिए हमने जो है यानी कि याद रखा। आपको क्या याद रखना है, 7 CSK के प्लेयर सुबह 7 AM पे 7 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो इस चीज को आपको याद रखने का। अब एक एक करके चलते हैं, यानी कि सी से क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कैंडला होती है, एस से टाइम होता है, तो यानी कि सेकेंड ले लेते हैं। अब यहां से के से किलोग्राम भी ले सकते हो और केल्विन भी ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो यहां से ले सकते हो, केल्विन हमने ले लिया। ठीक है, ए से हमारे पास क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है, अभी मैं बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एम्पियर हो जाता है। एम से आप चाहो तो क्या ले सकते हो, मीटर ले सकते हो, ठीक है, या मोल ले सकते हो, आपके पास जो भी है। एक केजी हमने ले लिया है, एक केल्विन ले लिया, तो दूसरा हम लोग क्या ले लेंगे, केजी, और एक मोल मीटर ले लिया है, तो दूसरा हम लोग क्या ले लेंगे, मोल ले लेंगे। तो यानी कि इस प्रकार से आपको याद रख सकते हो। देखो मैं वापस जाता हूँ अपनी सीट पे, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
ठीक है, मैंने माना कि लेंथ को नापने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मास को नापने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम को नापने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए आपका पता है क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बाई टी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है यानी कि क्यू बाई टी होता है। अब आप मुझे बताओ इसमें तो क्यू और टी दो टर्म आए, इस हिसाब से ये क्या फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए? क्या इस हिसाब से फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए बताइए? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। तो बताइए क्या इस हिसाब से फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नो सर, नहीं होगा सर। तो फिर इसको रखा क्यों गया है? सर पता नहीं। मैं बताता हूँ क्यों रखा गया। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, मेरी फोटो लैक होके आ रही है कि मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि जाम आ रही है? ठीक है, कई बार कई बच्चे। ओके थैंक यू। अब यानी कि क्या होता है कि हाँ यानी कि क्या होता है कि चार्ज बाय टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एम्पियर कहते हैं। चार्ज बाय टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एम्पियर कहते हैं। अब हाँ, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड में कहा जाता है 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। अब इतना तो पॉसिबल है नहीं कि हम लोग काउंट करें कि माइक्रो नैनो और भी छोटे यूनिट ले जाए तो भी मेजर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि यार एक ठीक है कोई बात नहीं, हम इतनी बड़ी यूनिट है तो उसको छोटे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू बाई टी को एम्पियर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने क्या कर दिया, यानी कि पर सेकंड जितना पास होगा उसको हम लोगों ने एम्पियर मान लिया, क्योंकि बड़ी सी थी उसको छोटी करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यानी कि एम्पियर ले लिया। और जब छोटी ले लिया तो उन्होंने कहा कि अब तो इसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिस कारण से इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, एज अ फंडामेंटल यूनिट मान लिया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फाइंड द आपसे पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो है अगर जब पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, यानी कि कैंडेला होगा। हाँ वेरी गुड थैंक यू। अगर जब आपसे पूछा जाए कि मान लो कि इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट बताओ क्या होगा, तो क्या बताओगे? मोल। वेरी गुड। अगर जब आपसे पूछा जाए कि लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा? मीटर। अगर जब मास की पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ओके थैंक यू। तो यानी कि इस प्रकार से आपसे अगर जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो यानी कि आप लोगों को क्या करना है, इनका जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? वन मिनट सर, हैंग हो रहा दिख रहा है सर कुछ। वन मिनट, वन मिनट। वन मिनट, अरे नींद लग गया तुम्हें, इसके बाद तुम्हारे पास एक और क्लास है। यस सर, पर लगानी जल्दी जल्दी, आप जल्दी पढ़ाओ। अच्छा जल्दी पढ़ा दे, सॉरी यानी कर। ओके चलिए सर, कैन यू प्लीज सॉल्व लास्ट क्वेश्चन वन। कौन सा बेटा, कौन सा क्वेश्चन रह गया था, कोई मुझे बता सकते हैं क्या था? हाथ लगते नहीं सर, जब समझाते तब समझते नहीं है ना, फिर करते रहते हैं लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मुझे भी याद नहीं है। चलिए अब ये वाली जो है याद रखना। हाँ कि अब हमारे पास क्या हो जाता है कि मान लो मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना? अब आपको ना ये वाला याद रखना है, क्योंकि नीट के 2013 में केरला पीएमटी में इनमें भी जो है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मैं जो याद करने का जो तरीका बताऊंगा उसको आप लोग फोड़ना, कुछ नहीं सर आगे। ओके ठीक है, अब देखो आपको याद रखना 10 से यहां से याद रखना। ठीक है,
यानी कि 10 का मतलब क्या होता है, यानी कि डेका होता है, यानी कि वैसे भी हम लोग 10 को क्या कहते हैं, डेका कहते हैं। तो आप लोग 10 से 11 क्लास करते हैं या सो जाते हैं फिर? फिर क्लास करते हैं। ओके, तो तुम सो जाते हो ना? हाँ, कोई बात नहीं, अभी जग जाइए, फिर आगे आपको जगना नहीं पड़ेगा, तब दुनिया आपको नहीं जगाएगी, नहीं तो अभी जग अगर जा अभी जग सो जाओगे तो बाद में दुनिया जगाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। 10 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि डेका कहते हैं, यानी कि 10 का मतलब होता है डेक। आप लोगों ने इन ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, तो 10 कार्बन को हम लोग डेक कहते हैं, उसी को जो है जोड़ दिया, यानी कि डेका कहते हैं। अभी मैं याद रखने की भी टेक्निक बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन हम एक बार पहले रिकॉल करते हैं कि 10^2 यानी कि हेक्टो होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 100 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सर रिगार्डिंग 336 डिग्री। ओके ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके 336 सेल्सियस को रोमर में कन्वर्ट करना है, जैसे लास्ट समय आएगा ना जब बच्चे लैब करेंगे तो उस समय मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं ताकि कि थोड़ा सिलेबस भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 10^2 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हेक्टो कहते हैं। वैसे भी देखो हेक्टो मतलब 100 होता है, तो यानी कि 100 हो जाता है। 10^3 को हम लोग क्या कहते हैं, किलो कहते हैं। 10^6 को मेगा कहते हैं, याद रखना मेगा मैक्रो में कंफ्यूजन नहीं करना। मेगा मतलब होता है 10^6 यानी कि पॉजिटिव में। 10^9 को जीगा कहते हैं। 10^12 को टेरा कहते हैं। 10^15 को हम लोग पेंटा कहते हैं। और 10^ हम लोग जो है 9 को जीगा, 10^12 को टेरा और 10^15 को पेटा। अब 10^18 को एक्सा कहते हैं और 10^21 को जेटा कहते हैं और 10^24 को योटा कहते हैं। अब इसको याद रखने का देखो, आपको दो याद रखने, 10^10 को क्या कहते हैं, डेका कहते हैं और 10^2 को हेक्टो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आगे कैसे है। आप लोगों की डाटा मोबाइल में जो चल रही होगी वो केबी में चल रही होगी, यानी किलोबाइट में। फिर क्या आता है, एमबी में। सुबह के समय चलाओगे तो एमबी में आएगी। अब जैसे क्या होता है कि एमबी, उसके बाद जो है कुछ लोगों को यानी कि बहुत तेज चलता है, जैसे यूएस में, वहां पे कैसे चलता है, जीबी में चलता है। और जो गूगल का जो मेन डाटा जहां पे चलता है तो वहां पे टेरा में चलता है, यानी कि 10^12 में। किलो मतलब केबी, एमबी मतलब मेगा, जीबी मतलब जो है यानी कि 10^9, टीबी मतलब जो है यानी कि 10^ जो होता है, यानी कि क्या होता है, 12 होता है। अब पेटा मतलब याद रखना, पेटा का याद रखना 10^ हम लोग जो है यानी कि पीबी कहते हैं, यानी कि पेटाबाइट, यानी कि जो है 10^15 होता है। अब याद रखना कि उसके बाद क्या आता है, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा के बाद क्या आता है, हेक्सा जीटा योटा आता है। फिर हम लोग क्या कहेंगे कि आपको अगर जो नहीं पता तो यानी कि आगे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी कि जो है हेक्सा जेटा योटा, इसको याद रखना, हेक्सा जेटा योटा कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे से बात करते हैं 10^-1 को डेसी कहते हैं, 10^-2 को सेंटी कहते हैं, 10^-3 को मिली कहते हैं, 10^-6 को माइक्रो कहते हैं, 10^-9 को नैनो कहते हैं, 10^-12 को पीको कहते हैं, 10^-50 को फेम्टो कहते हैं। बस याद रखना 10^15 को माइनस फेम्टो जो माइनस में होता है, जबकि पेटा जो होता है यानी कि प्लस में होता है, क्योंकि कंफ्यूज कर जाता है। और 10^-18 को येटो कहते हैं, 10^-21 को जेप्टो कहते हैं और 10^-24 को जो है यक्टो कहते हैं। अब इसमें याद रखने के लिए देखिए, यहां तक आपको याद रखना पड़ेगा डेसी सेंटी मिली मैक्रो, ठीक है, यानी कि डेसी सेंटी मिली मैक्रो। फिर आप लोग यहां से कह सकते हो कि अगर जब मिली मैक्रो, अब जो है नाना पार्टिकल फिर आया, जेप्टो यक्टो लाया। हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं, नाना यानी कि 10^9 से याद करा रहे हैं। माइक्रो के बाद क्या आता है, माइक्रो के बाद जो है नाना पार्टिकल फेम्टो, सॉरी माइक्रो के बाद जो है नाना पार्टिकल फिर आया, जेप्टो यप्टो लाया। ठीक है, अब जो है यानी कि अब इनसे जो ना कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोगों को। अब मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये जो है मैंने पॉजिटिव के लिए बताया, निगेटिव के लिए बताया। अब आपको क्या याद रखना कि अगर जो लास्ट में ओ आ रहा हो तो वो जो है पावर निगेटिव होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, पावर कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर लास्ट डिजिट, अगर जो लास्ट डिजिट क्या आ जाए, ए आ जाए, तो पावर कैसा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा।
अब दो चीज याद रखना, किलो और हेक्टो को छोड़ देना। वैसे भी आपको पता है किलो जो है हम लोग पॉजिटिव भी लेते हैं, 1 kg नापने जाते हैं, हेक्टो मतलब 100 होता है। अगर जो ये दोनों पॉइंट आपको याद है तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब जैसे मेरे से पूछा गया था एक बार, मैं किसी एग्जाम में पूछा था, 1 फर्मी में कितने होंगे, यानी 1 फर्मी का जो है बताना था। क्वेश्चन यही था कि मतलब जो है आपको प्रीफिक्स इसके अंदर मल्टीपल लिखना था, 1 फर्मी जो है किसके बराबर होता है। ए 10 to the power -13, बी 10 to the power 13, सी 10 to the power -15, डी 10 to the power +15। अब देखो लास्ट में क्या आया, आई। अब आई आ गया तो यानी कि कैसा पावर होना चाहिए, निगेटिव। अब यानी कि निगेटिव यानी कि या तो ए होगा या तो सी होगा। अब हमारे पास ये तो ये और ये नहीं होंगे, सिंपल सी ट्रिक है। सी ऑप्शन। हाँ, अब यानी कि क्या हो जाएगा कि अब देखो 10 to the power -5 को हमने क्या कहा, फेम्टो कहा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, फेम्टो है। और 10 to the power 15 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पेटा कहते हैं। यही बच्चे ने भी गलती कर दिया था, वहां पे 10 to the power -15 को फेप्टो कहते हैं, जबकि हमारे पास फेम्टो तो है ही नहीं, हमारे पास क्या है, फर्मी है। और फर्मी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। आपको सिंपल सी ट्रिक देखनी है कि आपको अगर जो आंसर हो जाएगा, अगर जो आई आता है तो वो जो है क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ए आता है तो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। ये सिंपल सी टेक्निक है, अगर जो आप इसको फॉलो करते हो तो आपके इस टाइप के कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो वो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन का वो देता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो यानी कि आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। अब यानी कि हमारे पास देखो माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 to the power -6, -6। तो यानी कि जो है यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी कि डेका, डेका मतलब कितना होता है, 10, यानी कि कितना, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेगा, मेगा मतलब क्या होता है, 10 to the power 6। हाँ, अब जीगा, जीगा मतलब क्या हो गया, यानी कि 10 to the power 9। अब फेम्टो मतलब क्या हो गया, यानी कि 10 to the power 15। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आप लोगों को, हाँ सॉरी कुछ बोले। बोल भाई, आवाज करते हैं, कुछ सुनाई देता है। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा जब कभी भी मैं बोलूँ तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको जो है मैच करा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से सुनो। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि एक्चुअली ना लोगों को दिक्कत होने लगी कि हम किस चीज को कहेंगे सिग्निफिकेंट है, कब है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग जो है रूल बनाते हैं कब सिग्निफिकेंट के लिए रूप में काउंट करेंगे और कब जो है सिग्निफिकेंट के रूप में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इस चीज के लिए जो है उन्होंने उन्होंने क्या करा, एक रूल दिया। उस रूल को मैं जो है आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोगों की स्क्रीन विजुअल है, ध्यान से सुनना। सारे कंफ्यूजन जो है मैं दूर करने वाला हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर जब प्रीवियस ईयर का अगर जब देखोगे तो वहां पे कई सारे जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अगर जो चाहो तो मैं अगर वहां पे जो है तरीके जो है अलग अलग तरीके से जो है आपसे सिग्निफिकेंट के रूप में पूछे जाते हैं, हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे। कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये तो बहुत ही आसान सा पॉइंट है। कहता है जितने भी नॉन जीरो डिजिट का मतलब होता है कि जीरो को छोड़ के, नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होता है, जीरो को छोड़ के। तो जीरो को छोड़ के कौन कौन से डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी 7 8 9, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं वो इतने ही होते हैं, कितने हैं, टोटल 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसके बाद जो आता है यानी कि जीरो को कब काउंट करते हैं, सारा खेल जो है ना जीरो बिगाड़ देता है। ये जो जीरो है ना ये बहुत ज्यादा जो है आपके लिए जो है परेशान करेगा, लेकिन हम लोग जो है इसको जो है बड़े आराम से पढ़ेंगे ताकि कि आप लोगों को परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया कि आपके सामने पहला रूल तो बहुत ही आसान है, सिंपली आपको याद रखना है कि नॉन जीरो डिजिट होगा तो उसको एज अ सिग्निफिकेंट काउंट करोगे। जैसे देखो मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को मैसेज करना है, कमेंट करना है, 1.887 यानी कि कितना है, 1.887 यानी कि इसमें जीरो नहीं है, तो यानी कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वेरी गुड संतोष, हाँ वेरी गुड सात्विक, 4 4 सिग्निफिकेंट। हाँ, अब आपके पास देखो इस सेकंड वाले में बताइए कि, हाँ वेरी गुड अंशिका स्वाति,
अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। हाँ वेरी गुड दिव्यांशि, 5। अब यानी कि थर्ड वाले में बताना है कि यानी कि कितना है, यानी कि 3 है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट को बता सकते हो। वेरी गुड, थैंक यू। अब यहाँ पे क्या कहता है सेकंड रूल, व्हेन अ नंबर इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जब नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इस रूल को याद रखना। कहने का मतलब क्या है, मेरी बात सुना, अगर डिजिट आ रहा हो कोई भी नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद पॉइंट आ रहा हो और फिर जीरो आए, तो उसको सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 बार बोलूंगा, ध्यान से रखना इस पॉइंट को, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कहता है कि अगर कोई भी डिजिट यानी कि नॉन जीरो डिजिट के बाद दशमलव आए और दशमलव के बाद जीरो आए, उसको सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करना है। जैसे देखो, अगर तो यही मेरे से पूछा जाता क्या 0.1 काउंट करते क्या, नहीं, आपको क्या करना है कि यहां पे देखना नॉन जीरो डिजिट है या नहीं है। अगर जो नॉन जीरो डिजिट है और पॉइंट है, पॉइंट के बाद जीरो है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एज अ सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट कर सकते हो। ठीक है, अरे यार पूरा मिटा दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ने समझ लिया है। चलिए कोई बात, अब यानी कि इसके अंदर देखो, यानी कि ये नॉन जीरो डिजिट है और पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, तो इस पॉइंट जीरो को क्या करना है, काउंट करना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें जो है कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट आ रहा है और उसके बाद जीरो आ रहा है। अगर एक और रूल में बताऊंगा अभी कि अगर जो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, तब तो आपको सोचना ही नहीं है, उसको काउंट कर लेना। खेल कब आता है, जब शुरू में होता है, जब अंत में आता है तब उसका जो है खेल फर्क पड़ता है। आप मुझे बताइए तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 91.070 में। हाँ यानी कि वेरी गुड, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू मानी, प्रिंस, विशा, विकास, पीयूष, अतुलेश, वेरी गुड, थैंक यू। अब यानी कि आपसे पूछा जाए कि देखो ये बात याद रखना है, इस पॉइंट को ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन आएंगे इसी पॉइंट का यूज करेगा। अगर नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद पॉइंट है, उसके बाद जीरो आ रहा है, तो उसको एज अ सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करना है। और जैसे ही काउंट करोगे तो यानी कि कितने हो जाएंगे, यानी कि जो है 5 हो जाएंगे। ठीक है, फॉर अ नंबर लेस देन 1, ठीक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहता है, लेस देन 1 ओनली 0 ऑफ द राइट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आर द सिग्निफिकेंट, बट द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या कहता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे 1.0 आ रहा है, तब तो सिग्निफिकेंट 2 हो जाएगा, लेकिन मान लो कि 0.01 आ गया, तब अगर इधर नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद दशमलव आने के बाद जीरो आए, तो इसको सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट नहीं करना। तो इस जीरो को हम लोग क्या करेंगे, एज अ सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट नहीं करेंगे। और जैसे इसके बाद जो हम लोग सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट नहीं करेंगे, तो यानी कि क्या हो जाए, क्या कह रहे हैं, यानी कि इसका जो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि इन 2 जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 और 3 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी तरह से, हाँ वेरी गुड, अब देखो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे 3 जीरो, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यानी कि इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के लिए 1 आ जाएगी। और इसी तरह से अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ जीरो है, इसको तो नहीं काउंट करेंगे, लेकिन अगर जो डिजिट के बाद अगर जो राइट हैंड साइड में जीरो आ जाए दशमलव के बाद, तो उसको एज अ क्या करेंगे, जो है वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहता है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है, उसको एज अ सिग्निफिकेंट काउंट करोगे। ये बहुत ही आसान सा है, फिफ्थ और सिक्स रूल कहता है, आपके सामने कभी भी सिग्निफिकेंट का एडिशन मल्टीप्लिकेशन आए, आप उसमें से कैलकुलेशन नहीं करना, उसमें से देखना सबसे छोटा जो सिग्निफिकेंट होगा उसी को जो है यानी कि करना। सबसे पहले मैं इन 4 पॉइंट पे आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था IIT में, फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट इन 1 पेंसिल। ऑप्शन है, सॉरी 10 पेंसिल था, मैं मिटा देता हूं, कितना था, 10 पेंसिल था।
ए वन बी टू सी थ्री डी नन ऑफ दिस या इन्फिनिटी लिखा होगा ठीक है सबका टू आ रहा है yes, sir. किसी का कुछ और आ रहा है हैं मेरा थ्री आ रहा है सर वन थ्री कैसे आ रहा है बेटा सर वन कोई बता सकता पता नहीं सर वन आएगा वन कैसे आएगा सर वन होगा इसका राइट आंसर जो है डी आएगा टू होगा सर ठीक है अब कहोगे सर कैसे अब देखिए आपके सामने सॉरी हाँ ठीक है ओके तो यानी कि अब यानी कि जो है इसका राइट आंसर जो है डी होगा कैसे होगा जब भी बी याद रखना कि कोई भी यूनिट आ जाता है मीटर सेकंड केल्विन तब हम लोग जो है सिग्निफिकेंट डिजिट की बात नहीं करते हैं ठीक है यानी कि तब हम लोग जो है यानी कि नहीं निकाल सकते हैं यानी कि क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल थैंक यू आप लोगों ने सही जवाब जिन्होंने दिया यानी कि जिनके पास क्या हो जाएगा कि अगर मीटर आ जाए या केल्विन आ जाए या सेकेंड आ जाए या कोई भी यूनिट आ जाए पेन पेंसिल बोर्ड जो भी आ जाए तब सिग्निफिकेंट की वैल्यू की हम बात नहीं करते हैं तब अब सिग्निफिकेंट नहीं होता है जैसे एक बार और क्वेश्चन पूछा था कि आपसे पूछा गया 10 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट होंगे नन इन्फिनिटी दे दे या जो है नन ऑफ दिस दे दे तो जो हो जाएगा मेरा क्वेश्चन है ये वाला कि बताओ कि 100 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कोई मुझे बता सकता है अब देखो ध्यान से कि आपके पास अगर जब लास्ट में जीरो हो ना तो उसको एज अ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अंजना वेरी गुड हाँ मेरी आवाज नहीं जा रही है हेलो मेरी आवाज जा रही है यस आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल नहीं आ रही है सर ऐसा क्या बहुत धीरे धीरे आ रही है मेरी आवाज सर बिल्कुल ठीक आ रही है ओके आप एक बार थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिफ्रेश मार लो बेटा हो सकता है कि कई बार जो है प्रॉब्लम हो लेकिन मेरी तरफ से बाकी लोगों को सही जा रही है तो हो सकता है कि आपके साइड से प्रॉब्लम हो तो एक बार चेक कर लीजिए प्लीज ठीक है वेरी गुड अब अगर ये देखो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक तो ये पूछ देगा कोई मीटर कोई भी यूनिट डाल के तब आपको जो है नन ऑफ दिस या इन्फिनिटी जो भी दिया रहेगा तब मारना है लेकिन तीसरा जो पूछा जाता है जैसे मान लो 100 या 1000 पूछ दिया जाए अब इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बताओ तो कितने हो जाएंगे कमेंट कीजिए फटाफट से इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वेरी गुड वन वेरी विकास वेरी गुड यानी कि जो है वन और कोई बता सकता है वन अंजना वन वेरी गुड अब जब याद रखना कि अगर जब डेसिमल नहीं है यहाँ पे अगर जब डेसिमल होता और वन होता तो कितना सिग्निफिकेंट होता बताइए सर फोर वेरी गुड अगर ये दशमलव होता तब फोर होता लेकिन दशमलव नहीं है तो यानी कि क्या हो जाएगा यानी कि इसके जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यानी कि जो है आपका जो है वन हो जाएगा यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको मान लो कि आपसे पूछा जाए 1.20 into 10 to the power 6 में number of significant कोई मुझे बता सकता है कितना हो जाएगा क्या ये 10 to the power 6 का significant नहीं होता है क्या वेरी गुड याद रखना हाँ वेरी गुड इसका जो है सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी यानी कि जो है 3 हो जाएगी 3 याद रखना पावर या 10 to the power थोड़ा सा इसको रेस कर देता हूं टेंथ पावर्स आर या 10 to the power लिख देता हूं आर नेवर काउंट एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि जो हम लोग कभी भी इसको सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट नहीं करते हैं ठीक है यानी कि जो है एज अ सिग्निफिकेंट ठीक है यानी कि हम लोग कभी भी जो है इसको हम लोग क्या करते हैं यानी कि जो है नहीं करते हैं रोहित बेटा मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा ठीक है आप फालतू की चीजें मैसेज मत कीजिए पढ़ाई से रिलेटेड कीजिए आप में अगर जो काबिलियत होगी तो आपके बहुत सारे इंस्टा क्या बहुत जगह पे जो है आपको बन जाएंगे फ्रेंड ठीक है ठीक है चलिए अब यानी कि आपके पास ये याद रखना अब लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं 1.2 into 3.21 into 1.674 / 3.421 अब आपसे जो है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
आपसे जो है सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू पूछिए, क्या इसको कैलकुलेशन करोगे क्या? नहीं। अब हम लोग जो है वापस चलते हैं यानी कि अपने फिफ्थ रूल पे। वो कहता है कि आपके पास अगर जब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड हो, मेरे ख्याल से दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। अब देखिए, कहता है कि अगर इफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर शुड बी सेम दैट द नंबर ऑफ विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लीकेशन में जब भी आपसे पूछा जाए, डिवाइड में जो सबसे छोटा होगा ना उसी को जो है यानी कि आंसर मारना। अब देखो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें चार है, तो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट कौन सा होगा? दो, यानी कि दो जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यानी कि इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग जो है यानी कि फटाफट से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मान लो कि मेरे पास जो है ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, फोर पॉइंट, अरे मेरे पास दिया 4.623 प्लस 5.31, इसमें बताओ कि कितना सिग्निफिकेंट का डिजिट का आंसर होगा, जो सबसे छोटा होगा यानी कि कितना है 3, यानी कि जो है 3 हो जाएगा। आपको इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है इसको क्या कर सकते हो, वेरी गुड प्रिंस, आप जो है बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन। बेसिकली कुछ केमिकल्स लॉज थे, ठीक है, यानी कि कुछ जो है बेसिकली टोटल 5 जो है केमिकल्स लॉज होते हैं। ठीक है, अब जिसमें से जो होता है यानी कि कौन कौन से लॉज होते हैं, हमारे पास 5 लॉज है। हम पहला बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, दूसरा हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा हम लोग जो बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा जो हम लोग बात करते हैं यानी कि गे लुसाक लॉ, पांचवा जो बात करते हैं वो कौन सा करते हैं, एवोगाड्रो लॉ। आपको मैंने बताया था कि जो एंटोनियो लवोजियर हैं यही हैं हमारे फादर, किसके, केमिस्ट्री के फादर ऑफ, फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जो है ये जो होते हैं यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटोनियो लवोजियर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि तो मदर कौन होता है केमिस्ट्री की? अरे ये नीचे बना है एक फोटो, ये मुझे पता नहीं सर, कोई भी नहीं होता, फादर ऑफ केमिस्ट्री है। हाँ नहीं, मदर भी है, इनकी वाइफ को ही हम लोग क्या कहते हैं, मदर ऑफ केमिस्ट्री, उनका भी नाम कुछ लवोजियर ही है। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च मार सकते हो, वहां पे देखना जो है आप लोगों को दिखाया जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दी सर, केमिस्ट्री की मदर नहीं होती, फादर ही होता है। नहीं 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 होता है, आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, कोई लवोजियर है, इनकी वाइफ का नाम है, आप लोग एक बार देखना। ठीक है, एक्चुअली बहुत ऐसा मैरिज, हाँ वेरी गुड, हाँ, यानी कि जो है वो जो है इनकी वाइफ है, लवोजियर ही नाम है, तो मैंने क्या कहा लवोजियर ही जो है इनकी वाइफ है और उन्हीं के नाम पे ये जो पड़ा। चलिए, हमें उससे कभी पूछा नहीं जाएगा मदर कौन होता है, हमसे जो है हमेशा फादर ही पूछा जाएगा, और अब वो ये पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि इतना पुराना जो है क्वेश्चन जो है हो चुका है। चलिए, अब हमारे पास क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इस संसार में जो भी चीजें रिएक्शन हो रही हैं, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, इसी चीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही क्या होगा यानी कि प्रोडक्ट साइड होगा, ये इसके बेसिक रूल है। यहाँ पे कहता है इट स्टेट दैट मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आप चाहो तो लिख सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये बात याद रखना कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास क्या होगा यानी कि प्रोडक्ट का होगा। जैसे हाँ, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक ए प्लस बी है और ये सी बन रहा है, अगर जब मैं कहूं कि ये मेरे पास 4 ग्राम है, ये 6 ग्राम है, तो सी कितना बनेगा, 10 ग्राम बनेगा, अकॉर्डिंग टू द, हाँ हाँ, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड हो जाएगा, ये बेसिकली. हाँ, लेकिन इसमें जो है कई साइड से क्वेश्चन आते हैं. आपको दो बात याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या स्टेट्स में होते हैं. हाँ, या जिसमें कह सकते हो बोथ साइड जो है सेम होते हैं. लेकिन लेकिन हमेशा हर जगह ये पांचों के पास, ऐसा बेसिकली कहा जाता है कि पूरी केमिस्ट्री में ना ये पांच लॉ फॉलो होते हैं. आपको कोई भी कंपाउंड बनाने हो ना, यही पांच लॉ से जो है बनते हैं. लेकिन कई जगह ये लॉ गलत होते हैं. आगे जैसे जैसे आएंगे मैं बताऊंगा कि कहां कहां देखो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ का जो है इनवैलिड हो रहा है. खास करके आपको इसमें पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है जब लिमिटिंग रिएजेंट का केस आता है तो वहां पे जो है इनवैलिड हो जाता है. वेरी गुड. इन न्यूक्लियर रिएक्शन में भी इनवैलिड हो जाता है. ठीक है, वेरी गुड. यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है बहुत जगह पे जो है ये जो है इनवैलिड होता है. चलिए, अब मेरे पास जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मेरे पास समय कम है, कम से कम ये दो जो है मैं कंप्लीट कराना चाहता हूँ. मेरे पास मान लो कि H2O बना रहा हूँ, H2+O2, और यानी कि मैंने क्या करा कि इसका जो है वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, 2H2O बन गया. मेरे पास कहता है कि मेरे पास 4 ग्राम ये है, 36 ग्राम ये है, तो मेरे को बताओ कि O2 कितना ग्राम होगा. वेरी गुड. यानी कि जो है 32 ग्राम होगा. लेकिन ये ऐसे नहीं कहना, ये तब कहना जब ये कैसा दिया हो, कह रहा हो इट फॉलोज कौन सा लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास. ये तभी लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगा सकते कंजर्वेशन ऑफ मास. ये तभी हम लोग लगा सकते हैं जब ये क्या कह रहा हो कि ये जो है कौन सा लॉ फॉलो कर रहा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसके कई टाइप घुमा फिरा के देते हैं. जैसे अभी मैंने मोल बताया नहीं है, वो आपसे पूछ देता कि मान लो कि कितने मोल बनेंगे O2 के, या फिर वो इनडायरेक्टली ऐसे कई बार जो है मोल से रिलेटेड पूछता है. वो आपको अगर जब तक ना कहे कि वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं कर रहा है, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर जो जब तक वो नहीं कह रहा है तब तक आप नहीं कह सकते कि जो है यहाँ 32 होगा. हाँ, अगर जो 32 ग्राम कह रहा है तो यानी कि जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो कर रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से जो है सेकेंड लॉ पे वापस आते हैं. यानी कि ये क्या कहता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनता है. ये वाला बात याद रखना कि इस संसार में जो भी चीजें हैं वो क्या बनेंगे कि पूरे एक फिक्स रेशियो में बनती है. जैसे मैं कहूँ मेरे को H2O निकालना है, 2H2O की कितने रेशियो में बनता है, याद रखना कि चाहे पानी पानी का जो रेशियो होगा 1:8 होता है, चाहे मैं, हाँ वेरी गुड थैंक यू, चाहे इंडिया का पानी लो, चाहे अमेरिका का पानी लो, चाहे हिमाचल का लो, चाहे बुल्ढाना महाराष्ट्र का लो, हर जगह पानी अगर जो प्योर है मॉलिकुलर लेवल पे तो उनका जो रेशियो होगा 1:8 होगा. यानी कि 1 अगर ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो 8 ग्राम जो है यानी कि क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा. अब कैसे सर, क्या ये याद रखेंगे, नहीं, इसको निकाला जाता है, वो मैं आपको निकालने सिखा रहा हूँ. यानी कि जो है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 2H2O लिख सकते हो. ठीक है, अगर जैसे हमने 2H2O लिखा यानी कि ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मास कितना हो जाता है 4 ग्राम, और इसका मास जो है 32 ग्राम हो जाता है, ग्राम से ग्राम कर, और ये जो है यानी कि कितना आ गया, 1:8 आ गया. अगर जो आपसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कहा जाए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाता है कि बताओ कि कितना परसेंट जो है किसमें पाया जाता है. ठीक है, अब जैसे मान लो कि मेरे पास जो है यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या है कि आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन का पूछा जा रहा है, तो जिसका पूछा जा रहा है तो उसका मास आप ऊपर रखोगे, नीचे में इन दोनों का मास को ऐड करके लिख दोगे. रिएक्टेंट वाला नहीं लिखना, जो प्रोडक्ट में सिंपल रेशियो में उसको लिख देना. और इसको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 11.1% आ गया. इसी तरह से अगर आपसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाता तो आप क्या करते, 8:9 इंटू 100. आप चाहो तो डायरेक्ट 100 में से 11.1 को घटा सकते हो, लेकिन मैंने जो है यानी कि 800/9 कर दोगे, यानी कि 88.8% हो जाएगा. मैं फटाफट से एक सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ. मेरे पास मान लो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, यानी कि क्या बना रहा है, CO2. मेरे पास मास है इसका 12 ग्राम, और इसका जो मास है 32 ग्राम. आपसे पूछा जाए कि इनकी रेशियो बताओ और कार्बन का परसेंटेज बताओ, तो मैं
हाँ वेरी गुड, इसका जो रेशियो आ जाएगा इससे कट जाएगा 4 से, यानी कि 4 से 3 में कट जाएगा और ये कितनी बार में 8 कट जाएगा, यानी कि 3:8 में बनेगा। अब परसेंटेज की बात कर रहा है तो यानी कि हाँ वेरी गुड विकास, तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा कि हाँ वंशिका एक मिनट में थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। आपसे पूछा जा रहा है यानी कि 3:1, आपसे किसका परसेंटेज पूछा गया था, यानी कि जो है अब मैं कह देता हूँ कार्बन का निकाल रहा हूँ, ठीक है जो है मैं कार्बन का निकाल रहा हूँ, ठीक है परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैं जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रहा हूँ, तो परसेंटेज कार्बन का कितना 3 और इसका कितना 8+3, तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि करोगे इंटू 100 और इसको करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 300/11 और यानी कि 27.2% आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आपको कभी भी कोई भी चीज का परसेंटेज दिया रहे तो आप लोग क्या कर सकते हो यानी कि निकाल सकते हो, ठीक है यानी कि जब भी आपके पास इस तरह से दिया रहे तो आप लोग क्या कर सकते हो यानी कि इनका जो है परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है तो मैं यहीं पर रखता हूँ क्योंकि आप लोगों की क्लास हो, जिनको कुछ डाउट हो तो फटाफट से जो है मैंने नोट्स भेज दिया है आप लोग एक बार देख लेना, आप जो भी अगर जो दिक्कत हो मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देना, मेरे को जैसे समय मिलेगा तो मैं आपको जो है बता दूंगा। तो आप लोग फटाफट से सेकंड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है जिनको कोई डाउट हो तो आप लोग रुक सकते हैं। वेलकम बेटा, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। हाँ बोलिए बेटा प्रवीण सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या थोड़ा सा मैसेज में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना सर, दूर हो गया बात नहीं, एक्चुअली क्या होता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है ना बच्चे का, हमारे भी कई बार हो जाती है तो वो तो बच्चे लोग हैं। हाँ बोलिए, गुड नाइट बेटा। हाँ प्रवीण फिर से बोलिए, आप एक बार बोलते भी रहिए लिखते भी रहिए, क्या पता मैं सुन लूँ आपकी आवाज क्लियर आ जाए सर। 336 सेल्सियस, वेरी गुड। अच्छा प्रवीण सर कह रहे हैं कि 336 को हमने किस में कन्वर्ट करने कहा था, रोमर में कन्वर्ट करने कहा था मेरे ख्याल से, मेरे पास जो क्वेश्चन था वो। हाँ ओके थैंक यू, हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं, यानी कि कैसे निकाल सकते हैं, हमने कहा था कि सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, C/5 = R/4। अब हमारे पास सेल्सियस की जगह पे कितना दिया हुआ है, 336/5 = R/4। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, 5 6 35 5 7 35, ये कट जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 0.2 भी ना भी लिखो तो चल जाएगा, यानी कि इस प्रकार से 8 28 और 24 26 यानी कि 268.4 जो है रोमर आ जाएगा, ठीक है यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो यानी कि कैलकुलेट कर सकते हो। किन्हीं को और कोई डाउट हो तो बताइए, प्रवीण समझ में आ गया? नो सर, बस सो लेते हैं। ओके बेटा, आपने एक और क्वेश्चन किया था इसमें आपने, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वरा भाई सही चले रहने थे कि जो एरर तुम्हारे सर सर रुकने मिल रही। हाँ क्या बताया था मेरे को बताना, कौन सा स्लाइड में सर, वन फर्मी, अच्छा वन फर्मी वाले में, वन फर्मी में मैंने कहा था कि आपको जो है यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि वन फर्मी इक्वल टू कितना होता है, तो 10^-13 होता है, ठीक है सर, याद रखना है। हाँ कुछ चीजें याद रखनी है आपको, मैंने बस एक ट्रिक बताई है कि अगर जो लास्ट में ओ आता है ना तो वो पावर नेगेटिव होता है, लास्ट में ए आता है और ए और आई भी आता है, ओ और आई, सॉरी मैंने आई बताना भूल गया, नेक्स्ट क्लास में जो बताना पड़ेगा कि ओ और आई जनरली आते हैं, तो यानी कि वो क्या हो जाते हैं कि जो है निगेटिव पावर होता है। चलो मैं इसको जो है लास्ट में बता दूंगा, मैंने इसको बताना भूल गया था। तो अब उसके बाद देखो फर्मी यानी कि आई आ रहा है, तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव के लिए जो है 10^-13 और 10^15 है, -50 को हम लोग फेमटो कहते हैं, तो ये फेमटो तो हो नहीं सकता, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा यानी कि फर्मी बच जाएगा, ठीक है। अगर जाओ किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके सर, फेमटो पर आपके घर कहाँ पे है? सॉरी क्या बोले, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
सर फेम्टो और फर्मी सेम नहीं है ना? फेम्टो और फर्मी सेम नहीं है बेटा। देखो फेम्टो मतलब 10^-15 और फर्मी मतलब 10^-13 होता है, दोनों अलग अलग है। इसको FM में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में FM लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसका यूनिट है ना सिंबल, उसका जो है फर्मी का FM होता है। आप एक बार गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने दूसरी क्लास में ज्वाइन हो जाइए, तो मैं भी जो है इसको शट डाउन कर देता। हाँ वेलकम बेटा, अगर जब किन्हीं को कोई डाउट हो तो, हाँ किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी लोग जो है यानी लीव कर सकते हैं।